नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस शक्तिपीठ को लेके आया हूँ उसका नाम है त्रिस्त्रोता। ये शक्तिपीठ आपके पूर्वी भारत में पड़ता है और नक्शे में देखने पर ये वहाँ के क्षेत्र में स्थित दिखाई देता है। ये स्थान आपका पूर्वोत्तर रेलवे में सिलगुड़ी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन पर जलपाईगुड़ी स्टेशन है। ये जो है जिला मुख्यालय भी है। इस जिले के बोंदा इलाके में एक शालवाड़ी ग्राम है। यहाँ तीस्ता नदी के तट पर, यहाँ से बह के आती बांग्लादेश तक जाती है, वो तीस्ता नदी के तट पर देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये यहाँ पर बताते हैं कि देवी माँ का देह का वाम चरण गिरा था, यानी कि बायां पैर गिरा था यहाँ पे। यहाँ माता जो है भ्रामरी नाम से जानी जाती हैं और भैरव जो हैं उनके ईश्वर हैं, अर्थात ईश्वर नाम के भैरव हैं और देवी शक्ति जो है भ्रामरी है। तो पहले आप भ्रामरी देवी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि हालांकि माता ने देवताओं की सहायता के लिए अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं। भ्रामरी देवी का अवतार देवी ने एक राक्षस था अरुण नाम के दैत्य को देवताओं से जो है उसकी रक्षा करने के लिए माता ने ये अवतार लिया था। बहुत समय पहले की बात है, अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का और पालन कर बहुत ही भगोर तपस्या की, जो कि ब्रह्मा जी जिस से प्रसन्न हो गए, उनके तप से जो है प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव के सामने साक्षात प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, ना तो कोई स्त्री मुझे मार सके और ना ही कोई पुरुष मेरा वध कर सके, ना ही वो दो पैर वाला कोई प्राणी हो और ना ही वो चार पैर वाला कोई प्राणी हो जो मेरा वध कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर विजय भी प्राप्त कर सकूं और मैं अविजित रहूं और किस कोई भी मुझे जीत ना सके। तो ब्रह्मा जी ने सारे जब ये वरदान उसे दे दिए तो इन वरदानों को पाकर अरुण ने देवताओं से जो है उनका जो है स्वर्ग छीनकर उसे अपने पास रख लिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो इस घटना से सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास आए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता देवी भगवती की उपासना करें, वे ही इस दैत्य को मारने में केवल सक्षम है। तो आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या आरंभ की। कुछ वर्ष की तपस्या के बाद प्रसन्न होकर मां ने देवताओं को दर्शन किए और उन्होंने इच्छित वरदान प्रदान किया। वरदान देने के बाद माता ने तुरंत छह पैरों वाला स्वरूप धारण करा और वे चारों ओर असंख्य भ्रमरों, यानी कि एक विशेष प्रकार की जो बड़ी मधुमक्खी होती है उस तरह का स्वरूप बना लिया और उनकी मुट्ठी भी जो है भ्रमरों से भरी थी। जो उनकी मुट्ठी थी उसमें भी भौरे ही भौरे थे। इसी भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी नाम से जो है संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा भ्रमरों को
अरुण को मारने के लिए आदेश दिया। पल भर भी नहीं लगा और पूरा ब्रह्मांड जो है भ्रमरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे। अरुण ने काफी प्रयत्न किया लेकिन वह भ्रमरों के हमलों से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की थी। ये उनका ही स्वरूप है। ये शक्ति माता शक्ति की यहाँ पर भ्रामरी रूप से ही जानी जाई गई और इनके जो भैरव थे वो ईश्वर नाम से विख्यात हुए। तो इस प्रकार आपके लिए ये सहज हो जाता है तो आप इस स्थान का भ्रमण करें और माता भ्रामरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन के लिए लागू रख लें ताकि कोई भी नया मेरा वीडियो आए तो उसे सभी लोग आपके पास पहले नंबर पे पहुंचे और जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख सकें, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।